आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की युवा पीढ़ी के बारे में। हमारी युवा पीढ़ी इस समय कर क्या रही है, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य का आधार है जिनके कंधों पर, वो युवा पीढ़ी क्या कर रही है इस समय, वो अपने देश के लिए क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी कर क्या रही है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अच्छा, आपने कभी अपने आसपास नोटिस किया हमारे आसपास के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो मैं नोटिस करता हूँ आजकल, जो मैंने नोटिस किया, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारी ये जो युवा पीढ़ी है ना आजकल, उसने अपनी डायरेक्शन ही बदल रखी है। वो देश से रिलेटेड कोई ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहे जो देश के लिए बेनिफिट दे। मैंने जो नोटिस किया है ना अपनी युवा पीढ़ी के बारे में, वो सिर्फ यही नोटिस किया है। आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है ना, सोशल मीडिया में इतना घुस चुकी है ना, इतना ज़्यादा घुस चुकी है ना, कि उसे रियल ज़िंदगी में क्या है, कैसे जीना है, उसको ये तक नहीं पता। सोशल मीडिया को इतनी रियल चीज़ समझ चुकी है ना, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया ही एक सोशल मीडिया पर मतलब टिकी हुई है, पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया है उनकी। वो रियल लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनकी सारी फीलिंग्स लो, उनकी जो भी फीलिंग्स होती हैं मन की, वो सब उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाना आता है। रियल में तो वो भूल चुके हैं कि हमें किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए। ये हमारी युवा पीढ़ी के हाल हैं आजकल के। जबकि हमारी इसी युवा पीढ़ी के कंधों पर हमारे देश का भार है। जो आने वाला हमारा समय है वो इन्हीं युवा पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा देश किस तरह रहेगा या हमारा देश कितनी तरक्की करने वाला है, वो हमारी यही युवा पीढ़ी डिसाइड कर पाएगी, या इन्हीं युवा इस या इसी युवा पीढ़ी को डिसाइड करना है कि हमारा देश आगे चल के कैसा होना चाहिए। पर मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में लगी हुई है, या फिर नशे में लगी हुई है, या फिर आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। सबसे अच्छा ट्रेंड चला है जो मैं नोटिस करता हूँ ना आजकल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, छोटे से लेके आप बड़े तक को देख सकते हो, ये वाला जो ट्रेंड है ना सबके दिमाग पे छाया हुआ है। किसी को समझाने वाला भी कोई नहीं है। बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि जो छोटे बच्चे हैं ना आजकल, उनके दिमाग पे भी ऐसा गंद भरा हुआ है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। वो बच्चे भी इन चीज़ों में इतना ज़्यादा पड़े हुए हैं कि उनको कोई गाइडेंस करने वाला कोई है नहीं। वो माता पिता भी उनके आजकल ध्यान नहीं देते, क्योंकि आजकल के माता पिता भी कुछ इस तरह से हो गए हैं ना कि उनको भी सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ चढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया के अलावा वो कुछ और सोचते ही नहीं हैं कि मेरे घर में मेरा बच्चा कर क्या रहा है या मेरी बच्ची कर क्या रही है। तो वो इतना अंधे हो चुके हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, या बाहर की दुनिया के चक्कर में इतना अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं है कि हमारा बच्चा किस राह पे चल रहा है या हमें अपने बच्चे को किस तरह से गाइड करना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है धीरे धीरे। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होगी तो हमारे देश का क्या होने वाला है आने वाले सालों में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश की कंडीशंस क्या होने वाली हैं। क्योंकि हमारे देश के साथ सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि हम इंजीनियर्स डॉक्टर्स तो तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी तैयार कर लेते हैं हम, बट हम उन्हें इंडिया में नौकरी नहीं दे पाते। उनको कौन नौकरी देता? अमेरिका। तो इंडिया डेवलप होगा या अमेरिका डेवलप होगा, आप खुद ही दिमाग लगाइएगा। जब हमारे देश के बड़े बड़े इंजीनियर, ब्रिलियंट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सारे अमेरिका चले जाएंगे, तो हमारा देश कितना ग्रो करेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना ग्रो करेगा। क्या इस तरह हमारे देश कभी अमेरिका को बीट कर पाएगा? आपको क्या लगता है, अपना विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर यही कंडीशन चलती रही तो आने वाले समय में हमारा देश कभी भी अमेरिका को पीछे कर पाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स जो हमारे देश में बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट इंजीनियर्स होते हैं, वो ज़्यादातर जहाँ तक है हमारे जितने भी देश के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अच्छे से अच्छे वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे नासा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो हमारा देश किस तरह से डेवलप करेगा? और जो हमारी अभी की यंग जनरेशन है उसको क्या क्रेज़ चल रहा है, टिकटॉक का या फिर कोई अदर ऐप का, जिसपे मतलब वीडियोस बनानी है, कॉमेडी वीडियोस ले लो, डांसिंग वीडियोस ले लो, मिमिक्री करना, इनको मतलब इनको इस चीज़ के अलावा कोई सुध ही नहीं है कि हमें भविष्य में क्या करना है या हमें आगे फ्यूचर में अपने फ्यूचर के बारे में हमें क्या सोचना है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। ना ही इनको कोई रोकने वाला है, ना ही कोई गाइड करने वाला है। हाँ, एक बात और, यदि इनको कोई बाहर का आदमी टोक भी दे तो ये क्या कहते हैं कि आपको क्या मतलब है,
यदि हम अपने पड़ोस में भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, आप कभी नोटिस करना, अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा काम कर रहा है ना, यदि आप उसको समझा दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने, या आपको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, या आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो पता है ये युवा पीढ़ी क्या करती है, ये युवा पीढ़ी आप ही को उल्टा जवाब देती है। उल्टा वो ये नहीं देखती कि आप उनके भले के बारे में सोच रहे हो या बुरे के बारे में सोच रहे हो, वो उल्टा आप ही को चार बात सुना देगी, उसके बाद कहेगी कि आपको क्या मतलब है, जब हमारे मदर फादर हमको कुछ नहीं बोलते तो आपका क्या हक बनता है, आप किस अधिकार से हमें बोल रहे हैं ये बात। तो कुल मिला के मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, कोई मतलब मेरा मेन मकसद यह है कि देश में बदलाव लाना, मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, देश में बदलाव लाना, चाहे वो किसी भी तरह से आए। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करते रहना है, हमें अपने आसपास के लोगों को क्या, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी इस बदलाव की। हमें अपने घर में छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोग हैं, हमें सबसे पहले उन्हें ही समझाना होगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको, ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उनके दिमाग में थोड़ा सा घुसे कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, या हमारा देश इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहा है। वैसे भी कोरोना के बाद से हमारे देश की हालात कुछ अच्छे नहीं है, सबको पता है कि हमारे देश इतना डेवलप अभी नहीं है कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को झेल पाए। अभी अभी हमारे देश में कोई इक्वलिटी भी नहीं है, आप देख सकते हो, जो पैसे वाला है वो पैसे वाला ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो बेचारा और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, कोई बैलेंस बना हुआ नहीं है अभी किसी भी तरह का। तो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अगर हमें देश के लिए कुछ करना है, एक देश के लिए कुछ करने के लिए अगर हमारे मन में कोई लगन है या हमारे मन में कोई आग लगी हुई है ना, तो उसके लिए आवाज़ उठानी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ आवाज़ उठानी होगी, और आवाज़ हम ही से शुरुआत होगी आवाज़ उठने की। तो मैं चाहता हूँ आपकी जगह, मैं चाहता हूँ कि आपके इधर आवाज़ उठाने वाले आप हों। मैं तो आवाज़ उठा ही रहा हूँ, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लोग हों जो मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ आवाज़ उठाए, इस आवाज़ को बुलंद करें ताकि लोगों तक पहुँचे। अगर हमारी वजह से किसी कोई एक इंसान भी बदलता है ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है, इससे बड़ी शांति मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।